हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ मीनल जैन। मैं एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मेरी अभी अभी 2 महीने पहले शादी हुई है और मैं रिसेंटली अपने नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। हमने इस घर को रेंट पर लिया हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ में इस घर को रीडेकोरेट करूँगी। मैं आपको पूरा हर एक एक मोमेंट बताऊँगी कि मैं कहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ, क्या ख़रीद रही हूँ, मैं अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, मैं अपने लिविंग रूम को कैसे रीडेकोरेट कर रही हूँ। प्लस और एक बात, मैं जब इस घर में शिफ्ट हुई थी तो मेरे पास में कुछ एग्जिस्टिंग फर्नीचर है ऑलरेडी जो इस घर में था पहले से, तो मैं उसको भी रीयूज़ करूँगी। मैं बताऊँगी कि मैं एग्जिस्टिंग फर्नीचर को कैसे कैसे रीयूज़ कर रही हूँ और हम लोग वन रूम एट अ टाइम जाएंगे या फिर मे बी वन एलिमेंट एट अ टाइम जाएंगे। देखते हैं हम कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले तो मैं बताती हूँ कि मैंने घर लेने से उसके बाद में उसकी साफ़ सफाई, पेस्ट कंट्रोल और फिर यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर था मैंने उसको कैसे रीअरेंज और अरेंज किया हुआ है इसके। तो गाइस, ये है एक मिनी हाउस टूर। ये बेड निकल जाएगा, ये सारे शेल्फ ये भी निकल जाएंगे बाद में, और ऐसा भी हो सकता है कि ये टीवी यूनिट निकल के कोई और टीवी यूनिट लगे। और ये है हमारी 2 मंथ एनिवर्सरी आज। ये मैंने उसके लिए लिखा था, ये मैं डीमार्ट से लेकर आई, सॉरी मिस्टर डीआईवाई से लेकर आई। डीमार्ट से तो शायद हमने ये लिया था, ये गणपति पापा लिए थे हमने। ये प्लांट, बैम्बू प्लांट मुझे बड़ा पसंद है, उसका होल्डर। और ये जो है ये भी हमने मिस्टर डीआईवाई से लिया हुआ है, कितना प्यारा है। मेरे पास में ये कर्टन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे। ये जो बेड है ये भी यहाँ पर पहले से रखा हुआ था। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों की रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जैसे ये लाइट फ्लिकर करती है बीच में ही, तो इस लाइट को मैं ठीक कराऊँगी। यहाँ पर अंदर एक एलईडी थी उसको मैं ठीक करवाऊँगी। इन कर्टन्स के बदले मैं सिर्फ आई थिंक शियर कर्टन्स रखूँगी। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक रूम को कि मैं क्या क्या चेंजेस करने वाली हूँ। ये वॉल भी बाद में चेंज हो जाएंगे। ये किचन है, अभी यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है गाइस, इसे ऑर्गेनाइज करना है। और जैसे आप देख रहे होंगे कि इसके भी हैंडल्स मिसिंग हैं, तो जहाँ जहाँ लाइक कुछ हैंडल रिपेयर एंड एवरीथिंग है वो मैं करूँगी। और ये मैं कल जब डीमार्ट गई थी तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ सारा क्लीनिंग का सामान। मुझे ये सब बहुत पसंद है, मैं इसका डिटेल में बताऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है। ये हमारा बेडरूम है और ये मैंने उसके लिए लिया हुआ था, कितना क्यूट है। अभी हमारे पास में एक ही है, हम इसका मैट्रेस भी बाद में नया लेने वाले हैं बट हम इसको रीयूज़ करेंगे। ये एक्चुअली इस बेड के साथ था, इसके आगे एक बेड भी लगा हुआ था जो कि निकल गया है, आप देख सकते हैं। इसका आगे वाला जो पोर्शन है वो टूट गया, तो मैंने उसको निकाल के इसका जो पीछे का पोर्शन है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इन कर्टन्स को भी मैं चेंज करने वाली हूँ। वो जो नीचे दरवाज़ा है वो भी फिट होगा या फिर उसका डोर पूरा चेंज होगा। ये उस बेड के साथ का साइड टेबल था जिसे मैं रीयूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा वो, इट्स नॉट बैड। और ये है हमारा गेस्ट रूम, इसे मैं जनरली अपने व्लॉगिंग के लिए यूज़ करती हूँ। ये है मेरा सेटअप और ये है एक्स्ट्रा कबर्ड, एक एक्स्ट्रा टेबल है। यहाँ पर है मेरा लैमिनेट का बुक। ये वो जो बेड टूटा हुआ था उसकी ये मैट्रेस है जिसे मैं आई थिंक अभी जब तक मैं सोफ़ा नहीं लेती हूँ मैं उसे हॉल में रखने वाली हूँ फ्लोर सीटिंग के लिए। और इस बेड को मैं एज इट इज़ ऐसे ही रखूँगी, मुझे ये बेड बड़ा अच्छा लगा, मुझे ये दोनों बेड बड़े अच्छे लगे जो भी थे। तो गाइस, हम आगे के अपने चैनल पर यही सब ब्लॉग शेयर करेंगे, हम इस घर को रीडेकोरेट करेंगे, रेनोवेट करेंगे आपके साथ, आपको बताएंगे कि हम कहाँ से प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, अगर हम कुछ DIY करते हैं तो उसको कैसे करेंगे, कहाँ से हमें सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, किस प्रोडक्ट को हम प्रेफर करते हैं और क्यों करते हैं। और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इस घर को रेनोवेट होते और चेंज होते हुए देखना है, और अगर आपको भी अपना घर रेनोवेट करना है, रीडेकोरेट करना है, तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।